90s किड हैं तो CID शब्द सुनते ही आपको पुलिस से जुड़ी किसी संस्था की याद नहीं आएगी। याद आएगा तो TV पर आने वाला एक नाटक जिसमें ACP प्रद्युमन हुआ करते थे, जिनका हाथ हर बात पर ऐसे घूमता था मानो हवा में अदृश्य कोई बोतल खोल रहे हो। एक डॉक्टर सालुंके हुआ करते थे जो हवा में गंध सूंघ कर मुजरिम की पूरी कुंडली बता देते थे। दया को कौन नहीं जानता। हमारे देसी सुपर कॉप्स वाली टीम में एक और बंदा हुआ करता था, फ्रेडरिक्स। मुश्किल समय में काम आने वाले फ्रेडरिक्स, जो टेंस सिचुएशन को भी फनी बनाने की काबिलियत रखते थे। CID के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। CID में फ्रेडरिक्स का रोल करने वाले एक्टर दिनेश फडणिस का निधन हो गया है। CID में दया का रोल करने वाले दयानंद शेट्टी ने मीडिया के साथ ये खबर शेयर की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि दिनेश ने मंगलवार 4 दिसंबर की देर रात 12:08 पर अंतिम सांस ली। दिनेश 57 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, माने शरीर के बहुत सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले रविवार 3 दिसंबर को खबर आई थी कि दिनेश को दिल का दौरा पड़ा, फिर उन्हें मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब दयानंद शेट्टी ने बताया है कि कार्डियक अरेस्ट नहीं आया था बल्कि लिवर डैमेज हो गया था। CID भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक रहा है। 1998 में आया था ये शो और 4-5 नहीं बल्कि 15 से 20 सालों तक धड़ल्ले से चला। फ्रेडरिक्स के रोल में दिनेश ने एक संजीदा थ्रिलर में दर्शकों को हंसाया, माहौल को हल्का फुल्का किया। उन्होंने पॉपुलर सिटकॉम शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी काम किया, सुपर 30 और सरफरोश जैसी फिल्मों में भी दिखे थे। शो की पूरी टीम दिनेश और उनके परिवार के साथ संपर्क में थी, अभी भी परिवार के साथ ही है। शो में फॉरेंसिक असिस्टेंट डॉक्टर तारिका का रोल निभाने वाली श्रद्धा मोसले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में पोस्ट कर लिखा, आप हमें बहुत याद आएंगे फ्रेडी सर। दिनेश का अंतिम संस्कार आज 5 दिसंबर को दौलत नगर शमशान घाट पर होगा। बता दें कि CID का पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 को TV पर आया था और आखिरी एपिसोड 27 अक्टूबर 2018 को। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी कमल ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।